एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इससे पहले वाली वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने इक्वेशंस बनानी है। अभी हमें स्टेटमेंट फॉर्म में दिया गया है, जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसकी हमने इक्वेशंस खुद बनानी है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड 4 इज 9। देखो तो आप ध्यान से पढ़ो तो सम क्या होता है, प्लस। तो कौन कौन से नंबर का प्लस क्या है, द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड 4। एक्स एंड 4 का अगर हम प्लस करते हैं तो 9 आता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन कौन से नंबर बोले, एक्स सम मतलब प्लस, ठीक है, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 9, ये बन रही है इसकी इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब्ट्रैक्टेड मीन्स होता है माइनस करना, ठीक है। फ्रॉम वाई गिव्स 9, फ्रॉम वाई मतलब वाई में से हमने 3 निकालने हैं, तो जब हमने वाई में से 3 निकाले तो हमें 9 मिलेगा, तो कौन सी वैल्यू आगे आएगी, वाई, ठीक है, यही है ना। 3 निकालनी कौन सी वैल्यू है, 3 को हमने घटाना है किससे, फ्रॉम वाई, तो यहाँ पर वाई आगे आ जाएगी, वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। गिव्स 9 आ सकता है, इज 9 आता है, तो ये हो गया हमारा जो भी राइट हैंड साइड में आएगा, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट है 10 टाइम्स एक्स इज 50। अभी 10 टाइम्स हम क्या मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स के साथ किसको मल्टीप्लाई किया, 10 को, यहाँ पर लिखा है 10 टाइम्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 टाइम्स एक्स मतलब एक्स के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 10 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 50, ठीक है, 10 टाइम एक्स की क्या है, 50 है। तो अगर यहाँ पर 5 टाइम एक्स होता है, यहाँ पर हमने 5 ले देना, 2 टाइम एक्स होता है तो 2, इट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारा थर्ड की स्टेटमेंट इक्वेशन बनती है। नेक्स्ट है फोर्थ, 9 टाइम्स एक्स प्लस 6 इज 87। 9 टाइम एक्स, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 9 टाइम एक्स, इट मीन्स एक्स के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस मीन्स ये वाला प्लस, ठीक है, सम करना है इसको, प्लस 6, 9 टाइम एक्स में से अब अगर हम प्लस 6 करते हैं तो हमारे पास आता है 87, ठीक है। आपको ये बहुत ही मतलब ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं, अभी आपको आगे बहुत ही मुश्किल जो स्टेटमेंट्स हैं तो उसको भी रीड करना आएगा कि इक्वेशंस कैसे बनानी, आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में ही दिया जाएगा, इसलिए आप इनको ध्यान से देखो कि कैसे हमने इक्वेशंस को क्रिएट करना है, तभी आप सम आगे सॉल्व कर पाओगे अगर आपको इक्वेशन बनानी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, 1/5, ठीक है, 1/5 मीन्स जैसे हम 1/5 में 5 लिखते हैं, ठीक है, 1/3 हो गया, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, 1/5 ऑफ अ नंबर वाई, इट मीन्स 1/5 ऑफ नंबर वाई, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, एक बार लिखो आप, 1/5 लिख लिया, फिर वाई, इसी के साथ वाई आ गया, माइनस क्या है, 6, -6 गिव्स कितना मिला हमें, 3, ये आगे 3, इसको आप अगर देखो, ये अगर हमें ऐसे वैल्यू देखिए तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, 1 को हम y से मल्टीप्लाई करें तो y पॉन में 5 आ जाएगा, तो y पॉन 5 माइनस में 6 इज इक्वल टू 3, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगता है वैसे लिख सकते हो, 1, ठीक है, 1/5 इट मीन्स y अपॉन में 5th भी आप डायरेक्ट, अगर आपने ऐसे उतारने तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4th कम्प्लीट, 5th क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। पहले हमने स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज किया, अभी इक्वेशन को हमने स्टेटमेंट में चेंज करना है। यहाँ पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अभी देखो x में से हम कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2, तो यहाँ फ्रॉम y इज 6, ठीक है, 2 जो भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही हमने पहले लिख लेनी है, ठीक है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सॉरी वाई नहीं है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स आएगा, ठीक है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स इज 6, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इज इक्वल टू 10, अभी ये भी सब्ट्रैक्टेड वाली वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स वाई, ये आप इसमें मल्टीप्लाई ना, तो इट मीन्स ये कितनी टाइम वाई है, 3 टाइम्स, ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
टू को इसमें से निकालना हमें थ्री टाइम्स वाई, तो यहां पर हम लिखे थ्री टाइम्स वाई इज 10, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्री टाइम्स वाई इज, या गिव्स भी लिख सकते हो 10, ठीक है। अगर हम माइनस थ्री से ये अपने निकालते तो 10 आता है, ये वाली ऐसे एक्सप्लेन हो रहे। अभी है सिक्स अपॉन में, ठीक है, वाई एक्स अपॉन में सिक्स इज इक्वल टू सिक्स। अभी ये देखो, ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स ये वन सिक्स है, ये कितना पार्ट है, वन, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो वन सिक्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन सिक्स इज, यहाँ पर ऐसे है ना वैल्यू ये वाली, तो हम लिखेंगे वन सिक्स ऑफ, किसका वन सिक्स पार्ट है, एक्स का, ठीक है, वन सिक्स ऑफ एक्स इज सिक्स, ठीक है, वन सिक्स पार्ट है एक्स का, वो सिक्स के बराबर है, सिक्स है, ठीक है, ऑफ एक्स इज सिक्स। नेक्स्ट है, जब भी आपको ऐसे वैल्यू मिले तो आपने ऐसे लिखना है, अगर यहाँ पर, यहाँ पर वन बाय टू होता तो आप हाफ एक्स, वन थर्ड ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे आपने वैल्यूज बना देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू 34। जब भी आपको सब्ट्रैक्टेड का फॉर्म का की इक्वेशन आगे स्टेटमेंट पहुंचे तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट यही उतारना है, फिफ्टीन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट जो करनी है उसको लिख लेना है, फिफ्टीन सब्ट्रैक्टेड 15 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम x इज 34, ठीक है, 15 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम x, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई है, 7 टाइम्स x इज 34, ये आ गया हमारा फोर्थ का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, x अपॉन में 2 इज प्लस 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है, यहाँ हमने पीछे भी किया ना, वन सिक्स ऑफ एक्स इज सिक्स, यहाँ पर हमें प्लस भी करने को आ गया है, तो यहाँ पर आप कह, ये क्या है, वन बाय टू है ना, ऐसे ही है ना, वन बाय टू का एक्स है, तो ये वन बाय टू क्या होता है, हाफ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एक्स, तो ये क्या है, हाफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस टू गिव्स एट, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो हाफ ऑफ एक्स, हाफ ऑफ एक्स प्लस, यहां पर आप लिख सकते हो प्लस, आपने याद दे तो बना लिया हाफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस टू गिव्स एट, ठीक है, ये आंसर है। इसके अलावा आप अगर आपने ये चेंज करनी है, ठीक है, आपने तो डायरेक्टली दिया हाफ ऑफ एक्स, हाफ ऑफ एक्स प्लस टू इज गिव्स एट, ठीक है, जहां आप लिख सकते हो द सम ऑफ, द सम मतलब टोटल है ना दोनों का प्लस है, द सम ऑफ हाफ ऑफ एक्स, हाफ ऑफ एक्स एंड टू इज एट, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, आपको जो भी ठीक लगता है, क्योंकि दोनों के जो प्लस है, द सम ऑफ, द सम ऑफ यहां पर होना था ऑफ, द सम ऑफ हाफ ऑफ एक्स एंड टू इज एट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है और हमने इक्वेशंस बनानी है। पार्ट नंबर वन है, राजूज फादर्स एज इज 4 ईयर मोर देन 5 टाइम्स राजूज एज, राजूज फादर्स इज 54 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, राजूज फादर्स एज, राजू के पिता की उम्र, ठीक है, इसका क्या मतलब, राजू के पिता की उम्र कितनी है, कितनी है, 4 ईयर्स 4 साल एंड 5 टाइम 5 गुना, ठीक है, राजू की उम्र के बराबर है, ठीक है, राजू के पिता की उम्र हमें बता दी गई है 54 है, ठीक है, अभी हमने देखना है कि हमें राजू के पिता की उम्र तो हमें बता दी गई है 54 है, मगर राजू की उम्र नहीं पता हमें, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेट कर लेना, लेट राजूज एज, राजू की जो उम्र है वो हमने अज्यूम कर लिए, लेट कर लिए एक्स, ठीक है, अभी एक्स है और फादर की कितनी थी, ठीक है, राजूज फादर्स, राजूज फादर्स एज, ये हमें गिवन है, ठीक है, कितनी थी 54 इयर्स, राजू के पिता की उम्र किसके बराबर है, जो इतना वाला ये लिखा है, इसको हमने स्टेटमेंट में चेंज करना है, 4 ईयर मोर देन 5 टाइम्स राजूज एज, राजू की उम्र कितनी लिखी हमने, एक्स, एक्स लेट की है ना, तो 5 टाइम राजूज एज, ठीक है, तो 5 टाइम मतलब इसको मल्टीप्लाई, 5
एक्स, फाइव और राजू की उम्र को हमने प्लस कर दिया एंड प्लस और क्या है फोर इयर्स एड भी है और ठीक है और फोर यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू किसकी एज आ गई उसके पिता की। तो इक्वेशन क्या बनेगी फाइव टाइम ठीक है फाइव टाइम एक्स आ गया फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 54 फाइव टाइम राजूज एज प्लस में फोर ईयर और ऐड करनी है जिससे क्या हो गए पिता की उम्र के ये बराबर बन जाएगा। ठीक है ये है फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है अ टीचर टेल्स द हाइएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हिज क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 6 द हाइएस्ट स्कोर इज 86 टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एक्स। इसमें हमें थोड़ा हिंट दे दिया गया कि लोएस्ट जो है स्कोर है उसको एक्स लेट करना है। ठीक है एक टीचर के क्लास में हाइएस्ट मार्क्स जिसने ले हैं स्टूडेंट ने उसका क्या है लोएस्ट का ट्वाइस है ट्वाइस मीन्स दुगना है। ठीक है लोएस्ट मार्क्स का दुगना और उसमें प्लस हो गया 6 जो किसके बराबर आता है हाइएस्ट मार्क के हमें हाइएस्ट मार्क्स तो ऑलरेडी दिए गए हैं। ठीक है तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे लेट द लोएस्ट मार्क्स द लोएस्ट स्कोर लिख सकते हो मार्क्स लिख सकते हो। ठीक है द लेट लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू एक्स अभी हमें क्या गिवन था द हाइएस्ट स्कोर कितना था हाइएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 86। ठीक है 86 कैसे बनता है जो स्टूडेंट है लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस मीन्स दुगना इट मीन्स 2x प्लस में क्या है प्लस 6 2x प्लस 6 इज इक्वल टू किसके बराबर है 86 के। तो जो सेकेंड की हमारी इक्वेशन बनती है वो है 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 86 ये सेकेंड का आंसर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर थर्ड की स्टेटमेंट है एंड इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल द वर्टिक्स एंगल इज ट्वाइस इधर बेस एंगल। ठीक है एक आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसके वर्टिक्स एंगल जो है वो ट्वाइस है बेस एंगल का मतलब दुगना है। ठीक है लेट द बेस एंगल इज एंगल बी एक्स इन डिग्री। ठीक है जो बेस एंगल है उसमें हमने एक्स को डिग्री मानना है रिमेम्बर दैट द सम ऑफ एंगल्स वो बताया गया कि 180 डिग्री सम होते हैं। अभी आप सभी को पता है कि ट्राइंगल जिसकी तीन साइड होती है आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होता है जिसकी दो साइड जो होती है वो सेम होती है। ठीक है इसमें हमने एंगल के आधार पर है ऐसे बना लेते हैं। ठीक है दो जो एंगल है दो साइड्स हैं वो क्या है सेम है एक साइड को छोड़कर। इन्होंने एंगल की बात की है तो एंगल वो ये है बेस एंगल। ठीक है नीचे वाले जो बेस एंगल है ठीक है ये सेम होंगे ये दोनों सेम है। उन्होंने क्या है वर्टिक्स एंगल कौन सा है ये वाला एंगल कौन सा है वर्टिक्स एंगल। ठीक है कहते कहा है कि आइसोसेलस ट्रायंगल में वर्टिक्स एंगल क्या है ट्वाइस है बेस एंगल का। इन दोनों का क्या है मतलब अगर बेस एंगल हमारा एक्स है तो इसका ट्वाइस क्या आएगा 2x। ठीक है यहां पर हम लिख देते हैं लेट बेस एंगल। ठीक है बेस एंगल क्या है एक्स। ठीक है और वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस है इसका 2x। ठीक है इसका ट्वाइस है अभी हमने पता है वी नो द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल इज 1। हम सबको पता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल ठीक है इज 180 डिग्री। इन तीनों कि क्या क्या है ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये है एक्स ये एक ट्राइंगल है हमारे पास सॉरी एक एंगल एक्स है बेस एंगल दोनों एक्स एक्स है और वर्टेक्स कितना है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है यहाँ पर 180 डिग्री अभी इन एक्स एक्स को प्लस करते हैं एक्स ये 1 2 3 4 4x हो चुका है हमारे पास 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका जो इक्वेशन बनती है वो बन रही है हमारे पास 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी गई है इसको ध्यान से पढ़ना है ठीक है और समझना भी है। अ शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन टू टाइप ऑफ बॉक्सेस। ठीक है एक शॉपकीपर
टू टाइप दो तरह के बॉक्सेस में, ठीक है, दो तरह के बक्सों में क्या बेच रहा है, मैंगोज बेच रहा है, ठीक है। वन स्मॉल एंड वन लार्ज, एक बड़ा है एक बॉक्स छोटा है। द लार्ज बॉक्स कंटेन, लार्ज बॉक्स में क्या है, एज मैनी एज एट स्मॉल बॉक्सेस प्लस फोर लूज बॉक्स लूज मैंगोज, ठीक है। लार्ज जो बॉक्स है उसमें एट स्मॉल बॉक्स में जितने मैंगोज आते हैं वो आ जाएंगी, और चार जो लूज मतलब अलग अलग वन टू थ्री फोर ऐसे अलग जो मैंगोज आ जाएंगी। द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100, जो लार्ज बॉक्स है उसमें कितने मैंगोज आते हैं, काउंटिंग कितनी है उसकी, 100। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अभी हमें ये तो पता चल गया कि बड़े जो बॉक्स है उसमें 100 मैंगोज है, मगर हमें स्मॉल का नहीं पता, तो उसको हम लेट कर लेंगे। लेट द नंबर्स ऑफ मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स, तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट उतार लिए कि लेट द नंबर ऑफ मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगो आते हैं, एक्स, और लार्ज बॉक्स में कितने हैं, 100। अभी हमने इसका बनाना है, ठीक है, यहाँ से देखते हैं। द लार्ज बॉक्स कंटेन, ये लार्ज बॉक्स की 100 आ गई, हमें समझो राइट साइड में जो वैल्यू थी वो तो हमने लिखनी है, वो मिल गई इक्वेशन में। तो अभी एट स्मॉल बॉक्सेस प्लस, एट स्मॉल बॉक्सेस मतलब एट टाइम बॉक्सेस, ठीक है, स्मॉल बॉक्सेस, तो एट और बॉक्स, स्मॉल बॉक्स को हमने किसमें रिप्रेजेंट किया है, क्या माना है उसको, लेट क्या किया है, एक्स, तो एट एक्स, ठीक है, एट स्मॉल बॉक्सेस, एट के साथ हमने स्मॉल बॉक्स के लिए एक्स बना दिया, प्लस फोर अलग से लूज जो मैंगोज है वो किसके बराबर है, 100 के, ठीक है। तो हमारी जो लास्ट इक्वेशन बनती है फोर्थ क्वेश्चन के लास्ट फोर्थ पार्ट की, तो वो इक्वेशन बन गई 8x + 4 = 100, ये बन रही है हमारी इक्वेशन, यही है हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आज की वीडियो भी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा और वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।